अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करनी है सारे बिल्कुल ठीक हो। सो अस आज बना लगे स्टीम रोस्ट। असा गिंदी है मुर्गी, उसने अपर लाइन मसाले, दरफन मर्च ता नमक, हूँ उसी असा तली किंसा, इसी असा तेज आंच पर तलसा ताकि ये सोना जब ब्राउन कलर आई जाए। जेल ब्राउन कलर आसी उल्ला असा इसी कड्डी किंसा। तको उन इसना ब्राउन जा कलर हो गया, उन असा तरामी इसी कड्डी किंसा। तको सारा रोस्ट फ्राई हो गया वे, उन असा इसी थोड़ी देर वैसे रखे छोसा ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर इसी असा स्टीम देसा। हून स्टीम देने वास्तै असें कि सब तो पहले उस रोस्टर ने अपन लाने वास्तै मैरीनेशन तैयार करनी पैसी। मैरीनेशन बिच है एक दो कप दही, त्रै चमच दरफन मर्चा ते नमक हसबे जरूरत। नहीं तुसानी अपनी मुर्गी पर डिपेंड करना कि कितना मुर्गी है तुसा कि दी है। हून असें इसी मिक्स करी किनसा ते एक पीस मुर्गी ना चाहिए इसने बिच चंगी तरह डुबोई किनसा। डुबोई के एक एक पसा रखी छोड़ सा नहीं तक चंगी तरह, ज़्यादा इतनी जोर नहीं करना कि मुर्गी ने पीस ले जान। तको सारा आसाना मुर्गा तकरीबन बिच डिप हो गया वे ये तकी किनो। हून असा इसी बेच के स्टीम जैसा बेच के रखे है वे पानी पाई के रखे है ताकि इसने अंदर पानी गर्म हो जाए। फिर स्टीम दिया असा पानी गर्म करने बाद इसने पर छानी रखी ताकि मुर्गा बिच ना टेवे। इसी उस ढकी छोर सा ते अपर वजनी की चीज़ रखी किनसा। असा तो लंगड़ी रखी है तुसा को भी रखो। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला असा रोस्ट बिल्कुल पकी के तैयार हो गया है। असा इसी तकरीबन दो ढाई घंटे स्टीम दी है। ये तक ही सकें तुसा कड्डा सोना तैयार होया वे। असा हूँ इसे डिशा च पाई के डिश आउट करी किनसा। तको कड्डा सोना लगना पाया। यह तुसा सोचने सोनू आलू कुत्थों आए कि असा वैसे ही बनाए सन, लेकिन अगर तुसा चाहने असा इसकी रेसिपी अपलोड करना तुसा असें कमेंट करी के पाओ। ते तुसा सोचने सो अज आवाज किसे बदली की है। दरअसल जे कुकिंग करने उन्होंने अज गला खराब हो इस मनु अज मैं अपनी आवाज दिती है। ते मैं उम्मीद करनी हूँ तुसा कि अज नी वीडियो पसंद आई होसी। इंशाल्लाह अगली वीडियो विच मुलाकात होसी। मेरे चैनल की लाइक सब्सक्राइब ते शेयर करी छोड़े। अल्लाह हाफिज़।